रेगिस्तान में ऐसा तालाब मिलना भाई, सोने पे सुहागा। ये वाले जंगली ऊंट है भाई। तो देखो कुछ इस तरह के कुएं होते थे उस टाइम। पूरा जो विलेज है ना वो अबैंडन्ड हो चुका है। अलग अलग सी आवाजें सुनने को मिलती है, चुड़ैल है, भूत है, ऐसा बताते हैं यहाँ पे। रात को यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, अकेले तो जाने में डर लग रहा है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी हम है राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के सम डेजर्ट में आ रखे थे हम। तो हमने यहाँ पे बढ़िया कैमल राइड की। अभी टाइम लगभग 11 बज रहे हैं और वॉशरूम वगैरह हम इसी पेट्रोल पंप का यूज़ कर रहे थे। काफ़ी बजट में हम ये ट्रिप कर रहे हैं। और ये भाई लोग थे देखो इस पेट्रोल पंप के, जिन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी। ये देखो ये भाई पठान खान, ये भाई बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमारे को काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी गाइड किया, कहाँ सस्ता है कहाँ महंगा है सारा कुछ बताया भाई ने। बहुत अच्छा लगा भाई मिलके। कभी दोबारा आना होगा तो ज़रूर मिलेंगे ना। ठीक है भाई। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं कुलधेरा विलेज की तरफ। तो एक अबैंडन्ड विलेज है और हॉन्टेड विलेज है भाई, भूत भूत का सीन है वहाँ पे। तो उसको भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे वो। तो टाइम अभी लगभग 11:32 हो चुके हैं भाई, काफ़ी लेट हो चुके हैं। मैंने टाइम देखा ही नहीं, आईडी से बता दिया आप लोगों को। तो ये है साथ में सम डेजर्ट, बहुत ही फेमस जगह है यहाँ की। तो यहाँ पे कैमल राइड वगैरह कर सकते हैं, सैंड ड्यून्स है। और यहाँ से लगभग बता रहे हैं 30-40 किलोमीटर है सम डेजर्ट से कुलधेरा विलेज। तो वो देखो वहाँ पे पवन चक्की है भाई, इससे भी यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। तो भाई हम ना ये चीज़ें बस किताबों में पढ़ा करते थे और वीडियो में देखा करते थे, पवन चक्की, पवन ऊर्जा वगैरह। तो भाई आज लाइव देखे ना बहुत अच्छा सा लग रहा है। अभी जिस रोड से हम चल रहे हैं उसके दोनों तरफ बंजर एरिया है, पर मुझे एक बात यहाँ की बहुत अच्छी लगी भाई, पशु यहाँ पे बहुत ही तकड़े है देखो, और बहुत ही प्यारे प्यारे पशु है ये देखो। और ये देखो ऊँट यहाँ पे, ये वाले जंगली ऊँट है भाई, मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि इनके नाक में ना नकेल नहीं लगी हुई है। तो भाई अभी कुलधेरा की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे देखो पानी का एक तालाब मिला है। तो रेगिस्तान में भी तालाब रहते हैं कुछ जिसमें पानी रहता है, ये उनमें से एक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पशु है जो पानी पी रहे हैं देखो, बहुत सारे, बहुत कम तालाब है। कुछ तो सूख जाते हैं गर्मियों में और कुछ रहते हैं, तो ये उनमें से एक है देखो। राम राम भाई जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आपकी आपकी गाय है? आप क्या कर रहे हो यहाँ? घर कहाँ है आपके? हमारा गांव निम्बा। निम्बा कितना दूर है यहाँ से? 25 किलोमीटर। इतनी दूर? तो गर्मी में भी रहता है इसमें पानी? नहीं गर्मी नहीं है, अभी खुद जाएगा, सूख जाएगा। पानी की यहाँ पे बहुत दिक्कत है ना। दिक्कत? आपका नाम क्या है? अता मोहम्मद है। अच्छा, क्या करते हो आप? कहीं नहीं, गाय की जांच करता हूँ। अच्छा, धंधा किधर है? हाँ धंधा कम है यहाँ फिर राजस्थान में। चलो बढ़िया, चलते हैं हम। ऐसा राइड करना भाई अपने को पसंद है, कहीं रुक के लोगों से बात करके। और ऐसा नहीं है कि अपन बात करते हैं ना तो 10-15 मिनट में भी ऐसा कनेक्शन बना लेते हैं ना कि लोग बातों से मोहित हो जाते हैं। ये सेल्फ प्रेज नहीं है भाई, मैंने खुद आजमा के देखा हुआ है। जो ट्रैवलर होगा ना वो ऐसी बातें करता है जिससे लोग मतलब भावुक हो जाता है, एक संबंध बन जाता है। तो ऐसा ही अपने को पसंद है। तो जहाँ जहाँ मौका मिलेगा ना वहाँ वहाँ रुकते हुए चलेंगे। और दिक्कत ऐसी है ना, टाइम कम है इस बार, नहीं तो अच्छे से ये ट्रिप मैंने जैसे प्लान की थी ना वैसे 50% 60% ही हो रही है। भाई को लेट है थोड़ी, इसलिए थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर ना हमारे को बहुत ही तगड़ा सा एक तालाब मिला है, मतलब रेगिस्तान में ऐसा तालाब मिलना भाई सोने पर सुहागा, खुद भी आंखों में देखने में गजब लग रहा है, बहुत सुंदर है। और इसमें बतख वगैरह भी है, तालाब सा है कुछ, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी गांव में भी जाता है। बहुत सुंदर तालाब है कि नहर है? तालाब ही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहारा नहाने को तो लग रहा है, डर ही इसमें। और हवा देखो यहाँ पे काफी तेज चल रही है, और वहाँ पे सफेद सफेद रंग के बतख भी है। ऐसी बात नहीं है, राजस्थान में ऐसे ऐसे तालाब भी है, बहुत गजब भाई, आंखों में देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये देखो यहाँ पहुँच चुकी है, बिल्कुल सड़क के साथ ही घूम रही है, गजब नज़ारा है भाई। अभी मैं पैसे रास्ते से ले आया है ना, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं गलत ही तो नहीं जा रहे भाई। इस रास्ते को तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई आता ही नहीं है। तो ये देखो भाई सामने एक पहुँच चुकी घूम रही है, और गजब आवाज़ आ रही है इसमें हवा की। तो भाई सीन ऐसा है ना,
यहाँ पे लगा है बोर्ड, ये रास्ता बंद है यार, पीछे चले जाओ, कुलधरा पीछे है। यहाँ आके तो बंद है, हम आगे जाके आए ना गूगल मैप के साथ। हाँ पर ये बंद है, इधर भी रास्ता है कुलधरा का एक, इधर है ये तो बंद है ना, ये बंद है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। तो भाई अगर आपके साथ भी ये सीन होता है ना तो एक बात का ध्यान रखें, कुलधरा हॉन्टेड विलेज डालना पड़ता है मैप पे, फिर जाके आप पहुंच पाते हो। अभी इतनी मेहनत की है तो जाके आते हैं एक बार। तो भाई जैसलमेर वाले रूट में ही चलते रहना है, बोर्ड था सामने हमने देखा ही नहीं, हम राइट मुड़ गए, जैसलमेर कुलधरा यहाँ पे लिखा हुआ था। दो किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं भाई। तो गांव ऐसा लग रहा है कि काफी सुंदर था, कैक्टस पार्क कुलधरा। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां है, हम तो रॉन्ग चले गए थे भाई। तो फाइनली भाई कुलधरा विलेज में पहुंच चुके हैं, और ये देखो कैसे मकान गिरे पड़े हैं। एक अलमारी सी दिखी है, उसमें कुछ सामान सामून रखने के लिए। पहले के टाइम में ऐसा होता होगा, सामान सामून रखने के लिए कुछ ऐसे बनाते थे देखो पहले के घरों में। देखो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ की चूल्हा वगैरह होता होगा कुछ। ये शायद मेन राजा का महल है भाई, फिर ही इतना मतलब मजबूती से बनाया गया है यहाँ पे। देखो बीच से बिल्कुल रास्ता है, रास्ते के दोनों तरफ घर बस रखे है, और रात में यहाँ आना बिल्कुल मना है, इतना हॉन्टेड ये विलेज है। रात में यहाँ पे आओगे तो अलग अलग सी आवाज़ें सुनने को मिलती है, चुड़ैल है, भूत है, ऐसा बताते हैं यहाँ पे। और मेन कहानी इसकी ये है कि गांव वालों ने गांव इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि राज दरबार से कोई व्यक्ति गांव वालों की ब्राह्मण लड़की के साथ शादी करने के लिए बोल रहा था, तो उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। इसको बचाने के लिए उन्होंने ये गाँव छोड़ दिया और इस गाँव को श्राप मिला। उसके बाद एक भी आदमी इसमें जीवित नहीं रहा। देखो बिल्कुल ख़त्म हो गया था भाई, ख़त्म। इस घर की मजबूती देख के लग रहा है भाई ये ना गांव का जो मेन होता होगा ना उसका घर है शायद से। ऊपर देखो लकड़ी लगा रखी है बढ़िया से, और गर्मियों में ना ये घर भाई काफी ठंडे रहते हैं। दरवाजे उस टाइम छोटे छोटे होते थे, लोग काफी संख्या में आ रखे हैं। देखो भाई वहां भी चढ़ रखे और पूरा उधर है। तो वहां पे एक बोर्ड लगा था जो मैंने यूट्यूब में सुनी थी, वो तो अलग थी, पर मेन कहानी ये है ना कि 19वीं शताब्दी में पालीवाल जाति के ब्राह्मण रहते थे यहाँ पे, तो उन्होंने इसके चारों तरफ 84 गांव बनाए थे। और उस टाइम एक मंत्री होता था यहाँ का सतीम, उसके उत्पीड़न से मतलब वो उनको टॉर्चर कर रहा होगा, और भूकंप और सूखा जैसे कारणों से उन्होंने रातों रात इस प्लेस को खाली कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी रात को। एक तो यहाँ पे लोग नहीं रह सकते थे, ऐसी ऐसी दिक्कत, क्योंकि लोगों की इच्छाएं पीछे रह ही जाती है, मेरा वो छूट गया वो छूट गया ऐसा करके, इस वजह से ऐसी नेगेटिव चीज़ें होने लगी। अभी भी यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि रात को भूत वगैरह रहता है और रात को यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। और देखो यहाँ पे एक मंदिर भी बन रखा है, और ये शायद द्वारपाल के लिए बनाया होता होगा। देखो एक गेट टाइप है ना, तो यहाँ से अगर एंट्री होती होगी तो वो पहले चेकिंग वगैरह करता होगा। और ये लग रहा है कि राजा का महल वगैरह होता होगा कुछ यहाँ पे, क्योंकि ये इमारत इन कच्चे घरों से काफ़ी पक्की है यहाँ पे। तो भाई कुलधरा विलेज में अभी मुझे कुआं दिखा है एक, ओ भाई सांप, वहाँ ना सांप है कसम से, अंदर गया भाई कसम से। ये कुएं है भाई उस टाइम के, तो देखो कुछ इस तरह के कुएं होते थे उस टाइम, बढ़िया बना रखा है भाई। और सांप दिख गया भाई कसम से, अपनी तो फट गई, ज़्यादा गहरे नहीं थे कुएं। मैं सोच ही रहा था भाई, मैं कहा पानी वगैरह का तो कुछ जुगाड़ होता होगा, इसका होल छोटा है। और देखो ऐसी सीढ़ियाँ लगा रखी है उस टाइम कुएं में जाने के लिए, और देखो और ये तो बिल्कुल पतला सा है भाई, और मॉइस्चर तो है इसमें, नमी तो है। देखो इस तरह के कुएं होते थे भाई कुछ उस टाइम। एक ये कुआं है भाई, ये वाला थोड़ा गहरा है, कबूतर जा रखा है नीचे भाई, कुछ चुंग रहा है, दो कबूतर हैं। और यहाँ पे ना देख के चलना पड़ता है भाई नीचे, क्योंकि अभी मुझे कुएं के ऊपर एक सांप मिला, और यहाँ के सांप बहुत ही जहरीले होते हैं, इसलिए रेगिस्तान में बहुत ध्यान रखें। और यहाँ पे एक और कमाल की चीज़ मिली है भाई, ये तो गजब है। ओ भाई अकेले तो जाने में डर लग रहा है, ये तो अंडरग्राउंड है कुछ। यहाँ तो ये नीचे बंद है देखो, पर ये भी कुछ कुआं बावड़ी या कुछ है मेरे ख्याल से।
और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये उस टाइम की बाउंड्री है, पर अब बिल्कुल सूख चुकी है। यहाँ से नीचे के लिए बाउंड्री हो सकती है, वो कुएं है उस तरफ और यहाँ पे बाउंड्री है। और पत्थर देखो भाई, क्या गजब पत्थर है, बहुत शानदार। ये देखो इस पिलर में मूर्ति भी बढ़िया बना रखी है। देखने लायक जगह है भाई कुलधरा, ज़रूर आओ। जितना मुझे पता था उतना मैंने बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ तक वीडियो देख लिया ना तो एक कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय।